आज अपने इस वीडियो में मिमिक्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं मिमिक्री किसे कहते हैं। किसी जंतु द्वारा किसी अन्य जंतु, प्लांट या फिर किसी प्राकृतिक वस्तु के रंग, रूप, आकार या व्यवहार की कॉपी करने की क्रिया को मिमिक्री कहते हैं। मतलब कोई जीव किसी अन्य जीव की या फिर किसी प्लांट की या फिर किसी प्राकृतिक वस्तु की नकल कर रहा है तो इसे अपने मिमिक्री कहते हैं। कोई जीव मिमिक्री क्यों करेगा? देखिए, जीव मिमिक्री या तो शिकार करने के लिए करेगा या फिर शिकार से बचने के लिए, मतलब खुद किसी जीव का शिकार ना हो जाए इससे बचने के लिए मिमिक्री करेगा। तो मिमिक्री है वो तीन टाइप की होती है। पहली होती है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, दूसरी एग्रेसिव मिमिक्री और तीसरी होती है कॉन्शियस मिमिक्री। सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री के बारे में। प्रोटेक्टिव मिमिक्री में क्या होता है कि जीव अपने आप को शिकारी से बचने की प्रयास करता है, मतलब खुद किसी जीव का शिकार ना हो जाए इसलिए प्रोटेक्टिव मिमिक्री करेगा। तो ये भी निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है गोपक अनुहरण, मतलब कंसीलिंग मिमिक्री। कंसीलिंग मिमिक्री में क्या होता है कि जीव अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में छुपा लेता है और इस तरह छुपा लेता है कि वो शिकारी की नज़रों से बच जाता है और शिकारी है वो उसको देख नहीं पाता। इस तरह इसे कहते हैं कंसीलिंग मिमिक्री। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है। तो इस डायग्राम में क्या है कि ये कैटरपिलर है और इस कैटरपिलर ने अपने आप को प्लांट में इस तरह अडेप्ट कर लिया है कि दूर से देखने पर शिकारी को ये एक नॉर्मल प्लांट दिखाई देता है और इस तरह ये शिकारी से बच जाता है। इसी को अपने कहते हैं कंसीलिंग मिमिक्री। अब आप इसका डायग्राम और यहाँ पे इसकी थ्योरी है वो नोट कर लीजिए। अब अपने बात करते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री के सेकंड टाइप की, जिसे अपने वार्निंग मिमिक्री भी कहते हैं, मतलब भय सूचक अनुहरण। इसमें क्या होता है कि जो जीव विषैले नहीं होते वो विषैले जीवों की मिमिक्री करते हैं और खुद को इस तरह शो करेंगे कि वो विषैले हैं और शिकारी से बच जाते हैं। जैसे देखिए, कुछ स्नैक होते हैं वो क्या करते हैं, विषैले स्नैक की मिमिक्री करते हैं। मतलब अपने शरीर का जैसे रंग है उनका येलो होगा या फिर उनका रंग है ब्लैक होगा या फिर कुछ इस तरह से फुंकार मारेंगी जिसे ऐसा लगेगा कि ये सर्प है वो विषैला है। इसी को कहते हैं वार्निंग मिमिक्री। तो ये आप इसकी थ्योरी है वो एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री के थर्ड टाइप की, जिसे अपने कहते हैं क्रिप्टिक स्ट्रक्चर, मतलब गुपक रचनाएं। इसमें क्या होता है कि जीव शत्रु को धोखा देता है, मतलब वो ये दिखाएगा कि मैं ऐसा हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी को कहते हैं, मतलब धोखा देकर वो शिकारी से बच जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें आते हैं काले धब्बे, मतलब किसी जीव के शरीर पे काले रंग के धब्बे होते हैं। तो जब शिकारी उसके पास आता है तो वो काले रंग के धब्बे हैं वो उन्हें शो करता है और ऐसा लगता है कि ये जो शिकार, मतलब जो शिकार है, शिकारी को ये लगेगा कि ये जो शिकार है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस वजह से वो उससे दूर हो जाएगा। इसके अलावा डमी से रहता है, मतलब डमी हेड। तो ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया है, मतलब ये कैटरपिलर है या फिर कोई भी तितली है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक डमी सिर बना लिया और इसका जो मेन हेड है वो इस पंख के नीचे है। तो शिकारी जब इसको शिकार करने आएगा तो उसको ये लगेगा कि ये जो डमी हेड है वो रियल हेड है और इस पर अटैक करेगा। इस पर जब अटैक करेगा तब इस जीव को पता लग जाएगा और ये भाग जाएगा, मतलब उससे दूर चला जाएगा और इसे होगा कुछ नहीं। इसी को कहते हैं डमी हेड और ये अपने शत्रु से बच जाएगा। तो यही अपने प्रोटेक्टिव मिमिक्री थी। इसके बाद में अपने एग्रेसिव और कंसीलिंग मिमिक्री है, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।